Bro, give me the title, please, bro. Love you, bro. Love you, love you, love you. तो भाई लोग कैसे हो, तो स्वागत आप सभी का एक और नए गेम प्ले वीडियो में। अब देखो, एक पल के लिए आप भी सोच रहे होगे मतलब किस तरह का गेम प्ले वीडियो, ना तो आपने मुझे पैराशूट खोलते देखा, ना ही कहीं लैंड करते हुए देखा, एकदम से भाई आसमान से टपका और जमीन पर अटका, मतलब प्रोमो ने टेरी में अटका। तो देखो मतलब सीन क्या था कि मैं था लॉबी में और सामने जो बंदा आपको दिख रहा है ये बंदा मुझे दिखता है, तो हम लोग एक दूसरे से कपड़े एक्सचेंज करते हैं और फिर ये बंदा बोलता है भाई प्रोमो ने टेरी आ जा, तो मैं फटाफट जाता हूँ सीधा अंधा पुश करने के लिए और ये बंदा ट्रिपल स्टोरी पे था। तो जैसे ये एकदम से मेरे सामने आता है तो मैंने जैसे गन निकाला, लेकिन तभी मेरी ध्यान इस बंदे की गन पे जाती है, अब जो कि S12 के होता है। अब समझ लो भाई क्लोज कॉम्बैट में S12 के से पंगा पड़ जाएगा महंगा। तो मैं उछलने लगता हूं और फिर एकदम से आती है आवाज और ये बंदा बोलता है भाई पैसिफिस्ट का टाइटल ले रहा हूं, मतलब भाई S12 के लेके पैसिफिस्ट का टाइटल हो रहा है। तो खैर अब इससे अच्छा मौका मिलेगा नहीं। यस यस ब्रो, व्हाट इज योर नेम ब्रो? बिहार और या व्हाट इज योर नेम ब्रो? PUBG name bro. Oh. Code. तो अपना इंट्रोडक्शन तो हो गया था, अब देखो प्रॉब्लम ये हो रहा था कि इस भाई को हिंदी नहीं आती है। अब देखो अंग्रेजी बोल रहा था और भाई अपनी अंग्रेजी मतलब कितनी लेवल की आप जानते हो। तो खैर देखो ये बंदा काफी ज्यादा कंफ्यूज लग रहा था और थोड़ा बहुत कंफ्यूज तो मैं भी कर देता हूँ अपने बातों में घुमा के। तो खैर देखो आगे के साइड से आपको गनशॉट वगैरह सुनाई दे रही थी और इस गेम में मतलब क्या ही लेवल के कैंपर मतलब मिलते हैं, वैसे सोलो मैच में हमेशा कैंपर मिलते हैं। तो फटाफट से आगे जाते हैं और भाई की बात सुनते हैं क्योंकि अपने एम्पर पे होलो है और होलो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है। अब मैंने इस भाई से रेड डॉट या 3x मांगा, लेकिन इस भाई के पास भी कुछ नहीं, अपनी तरह कंगाली होता है। तो यहाँ से हम फटाफट आगे के साइड निकल रहे थे क्योंकि जोन भी आ रहा था और सामने के साइड गाड़ी दिखता है और ये गाड़ी भी मतलब ऐसा वैसा नहीं, मतलब भाई ये गाड़ी की स्किन है। अब यहाँ पर मैं भी एक पल के लिए सोच जाता हूँ क्योंकि भैया कोई ना कोई कहीं ना कहीं तो कैंपिंग लगाया होगा क्योंकि गाड़ी की स्किन भैया एक्टिवेटेड है और बॉट के पास स्किन होती नहीं है। बट यहाँ पर एक पेटी दिख जाती है और ये पेटी किसी रियल बंदे का होता है, तो मैं समझ जाता हूँ इस गाड़ी वाले को किसी ने टपका दिया और यहाँ से निकल गया। तो हम भी फटाफट बग्गी लेते हैं और सीधा आगे की साइड निकलते हैं। 14 एनिमी अलाइव। यस यस यस। अब आपने सुन लिया होगा भैया केवल 14 बंदे लाइव है, मतलब पहला जोन था और पहला जोन जैसे खत्म होता है अब तो मतलब जाते जाते 13 हो गए हैं। अब मैं इधर के साइड से गुजर रहा था और भाई यहाँ से गनशॉट सुनाई दे रही थी और सामने के साइड देखो दो दो गाड़ी लगी हुई थी, तो मैं भी फटाफट उधर के साइड जाता हूँ। लेकिन फिर एकदम से याद आता है कि भाई पैसिफिस्ट का टाइटल मैं तो बच जाऊंगा, लेकिन अगर इसे गोली लगे तो ये तो टिपक जाएगा और टिपक गया तो भाई टाइटल नहीं मिल पाएगा और टाइटल नहीं मिल पाएगा तो फोकट का एक सब्सक्राइबर कम हो जाएगा, तो मैं नहीं चाहता ऐसा कुछ हो। और भाई इस बंदे की अंग्रेजी के नाम पे केवल मुझे दो ही वर्ड सुनाई दे रही है, यस 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 नो। भाई मतलब इतनी अंग्रेजी तो हमें भी आती है, अब देखो इससे ज्यादा भी आती है, यो व्हाट्स अप सरप्राइज मदरफकर। अब ये क्या था बे अंग्रेजी, वो भी अपने वाली। तो खैर छोड़ो, अब देखो इसे लेकर के मैं सीधा स्टेडियम आ गया था। अब क्योंकि देखो बहुत ही ज्यादा कम बंदे बचे हैं, फालतू रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है, बिल्कुल सेफ रैंक पुश मारेंगे, रैंक पुश नहीं पैसिफिस्ट का टाइटल मारेंगे। अब स्टेडियम आते के साथ भाई एक और सीन होते होते रह जाता है। अब देखो यहाँ पर मैं जैसे ऊपर के साइड जा रहा था बट यहाँ पर मुझे फुटस्टेप एकदम से आती है, तो मैं समझ जाता हूँ कि हो ना हो यहाँ पर और भी बंदे होते हैं। ब्रो स्टेडियम साथ का पास आ जा। खैर यार बाल बाल बच गया, यहाँ पर मेरी पेटी बन सकती थी क्योंकि आजकल थॉमसन का डैमेज कुछ ज्यादा ही लग रहा है। और तो और भाई 50 गोली मतलब समझ सकते हो आधा M249। तो खैर इसकी तो पेटी बना देता हूँ गन स्विच करके। अब मैं सीधा ऊपर के साइड जा रहा था बट इतने में यार एक और बंदा आ जाता है जो कि बहुत देर से कैंप किया हुआ था। यस 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 समवन ब्रो ब्रो। अब देखो इसी की कमी थी, मतलब अब एकदम से बग्गी की आवाज भी आ जाती है, मतलब सारे के सारे बंदे स्टेडियम में आ रहे थे और बग्गी वाले पे मैंने ट्राई किया था बट कुछ होता होता नहीं है और ये बग्गी वाला आ जाता है कवर में। अब जैसे मैं ऊपर के साइड भागता हूँ लेकिन अपने बंदे को भी कवर में ले जाना है क्योंकि कभी भी इसकी भी पेटी बन सकती है। अब देखो एक और बंदा पुश कर देता है अपने पे। यस यस दैट्स 6 मी ब्रो।
जीरो किल चिकन मिशन है ब्रो। अब क्या मैं गजनी मूवी का आमिर खान दिखता हूँ क्या, जो 15 मिनट में सब चीज भूल जाता है कि भाई इसको फिर चिकन डिनर दिलाना है या नहीं दिलाना है, मतलब भाई कुछ भी। ब्रो ब्रो इनसाइड द रूम, कम कम कम। एक काम करता हूँ भाई, मतलब गन वन रख के पहले इसके गोद में बैठ जाता हूँ, मतलब सामने हूँ भाई, फिर भी कम कम कम। खैर छोड़ो, अब देखो एक बंदा बच रहा था और वो बंदे पे आरपीजी होती है जिसने अभी अभी गिल्ली शूट वाले की पेटी बना चुकी है। अब आपको सुनाई नहीं दिया होगा क्योंकि मैंने यहाँ पर स्पीकर थोड़ा कम किया था, तो खैर अब नीचे के साइड में जाता हूँ क्योंकि ये बंदा अपने पे पुश करने की कोशिश कर रहा था और बग्गी लेकर तब तक ये भाग लेता है। ए मसिस्ट हग्गू बोलते हैं कसम से, मतलब एक गोली भी कनेक्ट नहीं हुई है। अब बताओ मतलब क्या ही बोले सर। खैर छोड़ो, देखो ये बंदा ऊपर के साइड में बग्गी रोक देता है तो मैं भी फटाफट नीचे के साइड जाता हूँ क्योंकि वो ना वो बंदे पे देखो आरपीजी है और वहां से अगर आरपीजी चलाए तो अपने साथ साथ अपने भाई की भी पेटी बन जाएगी, तो मैं नहीं चाहता ऐसा हो जाए। बट इस यस नो के दुकान के चक्कर में मैं काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया था। नो 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 MPK-5 और स्कारेल MPK-5। और इस भाई पे भी कोई स्नाइपर नहीं होता है तो अब तो समझ जाओ मतलब भगी वाले को तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो मैं सीधा आगे के साइड जाता हूँ क्योंकि यहाँ पर एक बंदा स्नाइपर लेकर घूम रहा था और भैया गिली शॉट पहन के घूम रहा है, तो जाहिर सी बात है उस बंदे पे AWM वगैरह तो हो गई, लेकिन AWM नहीं होता है, बंदे पे Kar-98 होता है। तो मैं फटाफट Kar-98 उठाता हूँ, लेकिन तब तक पता चलता है कि ये बंदा आ गया, हम पर पुश कर रहे हैं स्टेडियम के अंदर, तो Kar-98 फटाफट से फेंकना पड़ेगा क्योंकि Kar-98 लेके गया तो भैया अपनी पेटी बन जाएगी। तो वापस अपना AKM ले लेते और चलते बंदे पे पुश कर रहे हैं क्योंकि अब ये बंदा आ चुका है एकदम हॉलवे में और जिस हिसाब नेट कर रहा है भैया, मतलब पूरी प्लानिंग के साथ आया कि हमारी बेटी बनाएगा और बंदे पे प्लस RPG भी तो होता है। अब एकदम से ये बंदा स्पॉट होता है तो मैं भी फटाफट टीवी पे लेने चला जाता हूँ और इसकी पेटी बना देते हैं। वैसे बंदे ने RPG फेंक दिया था, अब बंदा S12 के लेके घूम रहा था, तो खैर पेटी बन गई। अब देखो क्या होता है। ब्रो गिव मी दैट टाइटल प्लीज ब्रो, लव यू ब्रो, लव यू लव यू लव यू। ये क्या था भला, अरे भाई मैं सिंगल हूँ, गे नहीं, ये क्या कर रहे हो। अब थोड़ा सा अपना सेल्फ प्रमोशन भी कर लेते हैं क्योंकि भाई एक सब्सक्राइबर की बात है और सब्सक्राइब नहीं हुआ तो मेहनत बेकार चली जाएगी अपनी। ओके ओके, व्हाट द नेम ऑफ योर चैनल? ओके ब्रो, ओके एक्सट्रीम गेमिंग। ये तो अपना चैनल का प्रोनाउंसिएशन भी नहीं कर पा रहा, मतलब क्या ही अंग्रेजी है। तो खैर छोड़ो, मुझे देना था टाइटल, लव यू ब्रो, बाय बाय। अब अपना ग्रेनेड से अपनी पेटी बनवा लेता हूँ और बंदे को टाइटल भी दिला देते हैं। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी से कर दो, सोचो मत, मेरी पेटी बन गई, बंदे को टाइटल मिल गया, बाय बाय।